नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश की, जिसके तहत एक बड़ा अजीबोगरीब तरीके का सलूशन निकाला गया है कि लड़की का जो रेपिस्ट है उससे विक्टिम की शादी करा दी जाए। ये पिछले हफ्ते का यहाँ लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश है कि उसको, उस रेपिस्ट को जो सलाखों के पीछे है पिछले 6 महीने से, उसको कहा है कि हम तुम्हें बेल दे देंगे और ये ग्रांट कर रहे हैं बेल इस कंडीशन पे कि तुम उसी लड़की से जिसका तुमने रेप किया है उसके साथ तुम शादी करो और जो बच्चा इस क्राइम के जरिए से पैदा हुआ है उसको तुम पालो अपने बच्चे की तरह। ये मेरी बहुत से विमेन एक्टिविस्ट से, लॉयर्स से बात हुई, सबको बहुत ही अजीब लग रहा है कि ये कौन सी जस्टिस है। क्या ये ट्राइबल जस्टिस या जो खाप पंचायतों की जस्टिस होती है उस तरीके का नहीं साउंड करता है? वो शख्स जिसने की दरिंदगी करी एक लड़की के साथ, वो भी एक माइनर लड़की के साथ, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पॉस्को एक्ट भी लगा और अब उसका अरेस्ट होने के 6 महीने बाद कोर्ट ने ये रास्ता, हाई कोर्ट जैसी संस्था ने ये रास्ता निकाला, वहां के एक जज साहब ने, सिंगल बेंच का ऑर्डर है कि इस लड़की के साथ तुम रहो अब जिंदगी भर, उसको अपनी बीवी बना के रखो और बच्चे को अपने। ये इसके बाद कौन सी गारंटी है जिस जो आदमी की मानसिकता इस तरीके की है कि वो लड़की को कूड़ा समझता है, कमोडिटी समझता है, इस्तेमाल करके फेंक देने वाली कमोडिटी, उसको वो बीवी की तरह रखेगा? ये इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और जो कई महिला ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस पे बड़ा विरोध प्रकट कर रही हैं और कई लॉयर्स ने कहा है कि वो इस मामले को, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि ये कोई जस्टिस नहीं है। ये जस्टिस तो इसलिए तो एक तरीके का रास्ता बन जाएगा, बल्कि एक वुमन एक्टिविस्ट का कहना ये था कि साहब ये तो फिर हो जाएगा, यूपी में जिस तरीके से रेप्स होते हैं, इतनी ज्यादा रेप्स होते हैं, तो क्या फिर ये इसी तरीके के सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे कि पकड़िए और फिर आप शादी कर लीजिए और लड़के जो हैं वो बड़ी शराफत से रखेंगे? इसमें क्या गारंटी है कि वो लड़का जेल से छूटने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करे और बाद में उस लड़की को उसका नाजायज इस्तेमाल करे, उसको प्रॉस्टिट्यूशन में डाल दे, उसको मारे पीटे? और देखिए जिस तरीके का समाज है, इस समाज में उस लड़के के घर वाले जिस तरीके की उनकी मानसिकता है, क्या वो उसे बहू की तरह ट्रीट करेंगे? उसके साथ कितनी नाइंसाफी होगी उसके बाद, ये कोई अंदाजा नहीं किसी को, क्योंकि ये आम रीत बन गई है। मेल शोविनिज्म, लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना, ये हमारे यहाँ के समाज में एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गई है और इसको बाकायदा जो खासतौर से जहाँ पे खाप पंचायतें और ये होती हैं वहाँ तो बिल्कुल इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के साथ कि वहाँ तो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। और अगर मजबूरन एक्सेप्ट किया, मजबूरन क्या, इस फायदे से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये जो हमारा लड़का जिसने रेप किया था वो इस बहाने उसको उसकी सजा माफ हो जाएगी, वो छूट जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। और तो ये सोचने वाली बात है और कि क्या इस तरीके की प्रक्रिया को लीगल सैंक्शन मिलना चाहिए? ये इस क्योंकि इसके इसमें फिर कोई एंड नहीं है। और मुझे कुछ जर्नलिस्ट ने ये भी बताया, जो जो इसमें दूसरे जिलों में जो के जर्नलिस्ट ने बताया, दूसरे स्टेट्स के जर्नलिस्ट ने बताया कि कुछ जगहों पे इस तरीके का हुआ है पहले और वहां जो दुर्गत हुई है ऐसी लड़की की जिसके साथ ये इस तरीके का आदेश के तहत लड़के को छोड़ करके और उसको कहा गया कि तुम उससे शादी कर लो, बड़ी हैप्पीली वो ताजराजी हो गया, लेकिन उसके बाद जो लड़की की दुर्गत हुई उसका कोई पुरसहाल नहीं। और ये लगभग 3 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे इस तरीके के आदेश हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर इस तरीके के सैंक्शन को, जो इसको इस तरीके की चीज को
सैंक्शन मिल गया और वो भी लीगल अप्रूवल, तो आगे चल करके रेप विक्टिम्स की और दुर्दशा होने वाली है। आपने देखा है जिस तरीके का माहौल है जहां ये कह दिया जाता है कि अरे लड़के तो लड़के होते हैं, रेप अगर रेप कर दिया कोई बात नहीं, गलती हो गई। ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है कि एक बड़ी जात वाला छोटी जात की लड़की को रेप कर देता है तो वो तो क्राइम ही नहीं माना जाता। तमाम इस तरीके के केसेस आए हैं और देखा गया है, और किस तरीके से ऐसे मामलों में जो रेपिस्ट हो जाते हैं वो बरी हो जाते हैं। आपने देखा है हाल में एक बहुत बड़ा मामला बिल्किस बानो का था गुजरात का, जो जिसको गैंगरेप हुआ, जिसके साथ उसकी मदर को, उसकी बच्ची को उसके सामने मार डाला गया था 2002 के गुजरात दंगों में, और उसके बाद जो उसके रेपिस्ट थे बमुश्किल उनको सजा हुई। और अब सजा के बीच में 14 साल उनके हो चुके थे सजा के, तो सजा तो भी और आगे लाजम कारावास था, उनको एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उनको बरी करवाया गया, उनकी सजा जो है आगे की माफ करा दी गई। और जिस कानून का सहारा लिया उस कानून के तहत रेप एक्सेप्शन है जिसमें कि ये माफी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अभी एक रोज पहले गुजरात गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें जस्टिफिकेशन दिया है कि क्यों ऐसे लोगों को छोड़ना जो था वो जायज था, और उनको जो छोड़ा गया वो एक कानूनी प्रक्रिया की तरफ किया गया। और कानूनी प्रक्रिया क्या थी कि गुजरात गवर्नमेंट में एक कमेटी हर स्टेट में होती है, एक रिमिशन बोर्ड होता है, तो उसमें गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंटेड लोग होते हैं, और उन लोगों ने रेकमेंड किया कि साहब इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है जेल में, और 14 साल क्योंकि हो चुके हैं तो इनको छोड़ देने में कोई तकलीफ नहीं। इस रिकमेंडेशन पे, और ये कहा उन्होंने क्या कि पहले पिटिशन फाइल कराई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गुजरात गवर्नमेंट डील करे, और फिर उनको गवर्नमेंट ने उनकी सजा बाकी चीज माफ कर दी और सब छोड़ दिए गए, और फिर उन्हें महामंडित किया गया, उनके मालाएं पहनाई गई, उनके टीके लगे, मिठाई खिलाई गई। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसी तरीके का स्वागत इन रेपिस्ट का होगा अगर उन्हें दामाद बना दिया जाएगा जो रेप विक्टिम है उसके परिवार? आप सब जानते हैं कि भारत के समाज में, इंडियन सोसाइटी में दामाद का क्या स्टेटस होता है, तो वो तो बिल्कुल वो उनकी आवभगत होती है। तो वही शख्स जिसने दरिंदगी करी एक लड़की के साथ वो जाकर के हीरो बन करके बैठेगा उसी परिवार में जिसके साथ उसने ये दरिंदगी करी, ये किस तरह से इसको एक्सेप्टेबल मान लिया जाए? और ताज्जुब ये है कि इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो वो फोर्सेस जो अपने आप को भारतीय समाज का, हिंदू संस्कृति का वो एम्बेसडर्स बताते हैं, वो कस्टोडियंस बताते हैं अपने आप को, वो खामोश रहते हैं। उसमें तो खैर दूसरा रिवर्स था बिल्किस बानो में, क्योंकि वो मुसलमान थी विक्टिम, तो और ज्यादा उसमें वो ग्लोरीफाई किया गया उन लोगों को। बिहेवियर अच्छे का मतलब क्या होता है? तो ये भी बड़ा अच्छा बिहेवियर हो जाएगा, थोड़े दिन तो जो दामाद बन के जाएंगे इनका बिहेवियर बड़ा अच्छा रहेगा, शादी कर लेंगे। उसके बाद कौन सी गारंटी है कि 6 महीने बाद उसकी प्रताड़ना नहीं शुरू कर देंगे? और इसकी कौन सी गारंटी है कि उसके घर वाले उस लड़की को इल ट्रीट करेंगे, बुरा भला कहेंगे? इसमें फायदा उनका लिया जाता है इस बात का कि लड़की के परिवार वाले गरीब हैं, अनपढ़ हैं, असमर्थ हैं कुछ और करने में, उनको प्रेशराइज किया जाता है। इस केस में भी वही हुआ है, इस लड़की के परिवार वालों ने अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ हमें कोई तकलीफ नहीं है और ये रख ले। मुमकिन ये है, ये पता ये लगा कि वो लोग फाइनेंशियली इतने कमजोर हैं कि उन्हें लगता है कि अब आएगी, और उनको ये समझाया गया कि लड़की तुम्हारे घर अगर वापस आएगी तो समाज क्या कहेगा। अब आप देखिए ये जो मानसिकता है कि जो रेप विक्टिम है
उसको कहा जाता है कि भाई उसका तो ऑनर चला गया, डिसऑनरेबल काम कर रहा है वो लड़का और उसके परिवार वाले जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑनर जाता है लड़की का। ये है समाज, और ये बड़ा इसको इसका इस समाज का जो इतना ग्लोरिफिकेशन होता है, ये चीजों को जायज ठहराया जाता है। अगर जरा सी जो है सोच करके अपने ऊपर जब बीती है तब देखें, अगर आपने आपको आदमी उसमें रख के देखे तो आई एम श्योर कोई भी जज इस तरीके का जजमेंट नहीं देगा। अब ये हुआ है और इसकी काट क्या निकलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्लो मोटो कॉग्निसेंस लेता है या नहीं, या कोई वकील इसको उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाता है, क्योंकि इंसाफ तभी होगा जब उस लड़के को जिसने धर्मदगी की उसे सजा मिले। ये सोल्यूशन समझ में नहीं आता मुझे, ये कौन सा सोल्यूशन है और किस जस्टिस के तहत है, ये विचार करने की बात। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।